मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कॉमेडियन कपिल शर्मा की ओर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब प्रीति ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पता हो कि कपिल ने प्रीति और उनकी बहन के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद अब प्रीति ने उनकी बातों का जवाब दिया है। एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में प्रीति ने कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि इस सब के पीछे का कारण हाल ही में हुए कपिल के ट्विटर विवाद से अटेंशन हटाने का है। जी हाँ, प्रीति कहती हैं कि हाल ही में हुए कपिल के ट्विटर वॉर से अटेंशन हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। प्रीति ने आगे कहा कि मैं और नीति काफी शॉक्ड थे जब हमारा नाम इन सब चीजों में वो इंसान लेकर आया जिसने कुछ दिनों पहले ही हमें कॉन्टेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि हम उसके साथ वापस काम कर ले। सच बोलूं तो कोई भी इस कंप्लेन को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव था, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कपिल ये सब कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी डिस्टर्ब्ड हैं। प्रीति जो कि कपिल के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, आशा करती हैं कि जो भी उन्हें गाइड कर रहा है वो उन्हें और मुसीबत में ना डाले, क्योंकि उनके अनुसार कपिल को थोड़े वक्त की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रीति नहीं जानती हैं कि कपिल इस वक्त कहां पर हैं। इस बारे में प्रीति कहती हैं कि मुझे लगता है कि यही उनकी टीम चाहती थी, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करना जहां हम में से कोई भी उन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले साल से हम लगातार कॉन्टैक्ट में रहे हैं। चीजें भी शुरू होना ठीक होने लगी थी और पूरी टीम वापस से प्रोफेशनली काम करने को तैयार भी हो गई थी। प्रीति ने आगे कहा कि कपिल की टीम उन लोगों को झूठा कह रही है जो वास्तव में कपिल के लिए चिंतित हैं। खैर, आपको बता दें कि विवादित ट्वीट्स और फिर कथित तौर पर जर्नलिस्ट के साथ गाली गलौज का फोन कॉल वायरल होने के बाद से ही कपिल कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं। उन्होंने एक एंटरटेनमेंट मैगजीन के एडिटर और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो की प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस और नीति सिमोस के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।